सकता है। सो अभी हम लोग दोनों बाइक एक्सचेंज करके देखते हैं। सो भाई सबसे पहले आप लोग को बता दें कि ये रोड अभी मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप लोग मत सोचना कि हम लोग रोड के बीच बीच में मतलब रिस्क लेके कर रहे हैं। सो ये रोड अभी शुरू नहीं हुआ है देखो, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ उसी पे चल रही है। सो अभी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं अपना अपना बाइक को लेके, मैं और मेरा फ्रेंड। सो उसका न्यू ड्यूक 250 अपना ड्यूक 250 लेके आया, और मेरा तो अपना ड्यूक 390। सो आज दोनों में मतलब कंपेरिजन करके देखते हैं। वैसे कंपेरिजन के मामले में तो देखा जाए तो मेरा तो उससे ज़्यादा सीसी का है, तो पावर और स्पीड के मामले में मेरा ऊपर ही रहेगा। लेकिन एक छोटा सा मतलब कंपेरिजन करके देखते हैं, और जैसा वीडियो बने कोशिश करते हैं अच्छा ही बने, और फिर क्या। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, देखो कैसा लगता है दोनों का कंपैरिजन वीडियो, और कोशिश करते हैं दोनों को मतलब थोड़ा वीडियो को छोटा ही मतलब ज़्यादा बड़ा 390। और भाई तो इसी के साथ करेंगे अभी कंपैरिजन वीडियो, और वो रहा ड्यूक 250 न्यू वाला। सो देखते हैं, क्योंकि उसका पावर में भी इंक्रीज हुआ है, पर ये तो जो है सो है ही शुरू से ही। सो पता होगा ड्यूक 390 के बारे में, क्योंकि ये पहले से ही बाइक आ रहा है। तो इसका इंजन कैपेसिटी मतलब इंजन का जो पावर है, जो सीसी है, वो 370-375 के अप्रोक्स में है। और जो ये न्यू वाला जो ड्यूक 250 है, इसका इंजन कैपेसिटी अभी जो पुराने वाले से ना थोड़ा बढ़ा दिया गया है। सो देखते हैं कैसा पावर है, कैसा एक्सपीरियंस होता है इसका राइड का और रेस का। रेस तो खैर उतना खास हम लोग करेंगे नहीं, बस एक कंपैरिजन के लिए बस एक छोटा सा रेस कर लेंगे। तो इसका इंजन कैपेसिटी है 249 cc करके, मतलब उसके आगे भी तो 249.07 cc करके इसका इंजन है। सो तो इसका मतलब अगर इंजन कैपेसिटी के मामले में देखा जाए तो दोनों का मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब लगभग 150 cc का ऊपर नीचे है, तो भाई कहना नहीं है। सो फिर भी ट्राई करके देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, जो रिजल्ट तो आपको वीडियो के बाद ही पता चलेगा। तो ये बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, जैसे कि ये जीत जाएगा। तुम आज राइड करो 390, हम 250 ही राइड करते हैं। चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अरे आ जाओ ना, तो एक बार तुम चलाना, एक बार हम चलाते, दोनों को चेंज करके चला के देखते जैसा होता है। आ जाओ आ जाओ, देख ही लेते आज तुम्हारा। तो भाई सबसे पहले आप लोग को बता दें कि ये रोड अभी मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप लोग मत सोचना कि हम लोग रोड के बीच बीच में मतलब रिस्क लेके कर रहे हैं। सो ये रोड अभी शुरू नहीं हुआ है देखो, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ उसी पे चल रही है। सो अभी रोमियो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तो मतलब कोई फायदा नहीं है, मतलब वही बुद्धि लगा के देख क्या बताओ, वो पत्ते की तरह निकल जाता है भाई, जो भी बोलो। उस समय मैं भी मिस करता उस गाड़ी। तारीफ करो, तारीफ। 390 है, काफी बढ़िया लगा। स्टार्टिंग में लगता है कि दोनों सेम चल जाएगा, लेकिन जब ये आता है ना, जब ये अपने रेस पे आ जाता है, निकल इसका जो लॉन्चिंग टाइम जो है ना, मतलब बहुत ही मतलब कम है, एकदम फट से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। सो अभी हम लोग दोनों बाइक एक्सचेंज करके देखते हैं। सो वैसे राइडर का भी फर्क पड़ता है,
मैंने देखा है जो मेरा फ्रेंड हम जो एक फ्रेंड वो मेरे से फट से आगे निकल जाता 200 में। चलो ना सबसे पहले तो बता दे कि उस बाइक को बाप होता है दूसरा बेटा होता है उसी प्रकार हो गया ये रेस में। लेकिन मजा आया कैसे जो भाई तो वो कैसा लगा? मजा तो आया भाई, बात ही अच्छा, अलग है। इसका मतलब जो एक सिस्टम अगर देखा जाए ना तो मतलब इंजन कैपेसिटी तो वो सिस्टम थोड़ा सही रहा, मतलब जैसे ये होता है ना तो मतलब हिचकने लगता है ना, हाँ ये वाला थोड़ा सा इसका डर लगता है, बाकी तो उसमें स्मूथली तुम निकल जाता, उसका कट 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 ये नहीं होता है। ये है कि थोड़ा सा मतलब क्या बोले, पावरफुल बाइक है ना तो फिर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम तो हो गई भाई, एकदम नॉर्मली तो निकल भी सकता है। तो आप तो यही है मेरा फ्रेंड जिसका जो ये तभी मेरे से आगे निकल गया भाई व्लॉगिंग में, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा पीछे मतलब स्लो हो गए थे और ये तो दिन पर अरे भाई नहीं, बाप होता है बेटा बेटा होता है, एक चीज समझ में आ गया भाई। KTM देखो बाप कौन है? अरे बाप तुम है, चल ना। लेकिन तुम क्लासमेट है मेरा भाई। सो भाई बात मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत बंदे बोलते हैं ना KTM वाले लोग को KTM वाला छपरी है भाई, आ जा पहले रेस पे उसके बाद दिखाएंगे KTM वाले को। छपरी वाला कोई बात ही नहीं है, मतलब सबका एक अपना अपना नजरिया होता है, रखने का तरीका होता है भाई। बाइक छपरी नहीं होता है, बाइक को बोलने वाले छपरी होते हैं और बाइक को मतलब हरकते करने वाले को छपरी बोलते हैं भाई। तो ध्यान देना ना ही बोले, ये बस एक छोटा सा ट्राई के लिए था, ऐसे आप लोग इसको सीरियसली मत लेना। कंपैरिजन नाम का तो दोनों में कोई चीज ही नहीं है भाई, क्योंकि वो उसका सीसी कम है और इसका सीसी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आगे निकल ही जाएगा। तो बस हम लोग का मन में था कि एक बार ट्राई करके देखो, एक वीडियो बना के देखे क्या होता है क्या नहीं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और कौन सी बाइक आपको पसंद है, न्यू जनरेशन पसंद है या फिर पुरानी वाली ही पसंद है, तो अपना अपना राय जरूर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय।